करीब 22 मिनट बाद वापस से सेम पर्सन जो है वो वापस से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। 24/7 लोगों के लिए खड़े रहने के बाद एज ए डॉक्टर आपको क्या मिलता है? रेप, टॉर्चर, हरासमेंट और मर्डर। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। अगले दिन सुबह 7:30 बजे डॉक्टर एम की बॉडी मिलती है उसी सेमिनार हॉल में विथ 10+ इंजरी मार्क्स। उनकी सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल पूछे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, जो कि सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। भारत में महिलाओं को कितनी इज्जत है? जहां महिलाओं को देवी का रूप माना जाता है, वहां महिला डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला है। 24/7 लोगों के लिए खड़े रहने के बाद एज ए डॉक्टर आपको क्या मिलता है? रेप, टॉर्चर, हरासमेंट और मर्डर। यस, ये एक मर्डर है, ना कि सुसाइड। इस इंसिडेंट में क्या हुआ और कौन रिस्पॉन्सिबल है, मैं आपको सारी बातें इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। कोलकाता के इंसिडेंट ने हमें दिखाया है कैसे हमारा समाज फेल हो रहा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जहाँ चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ऐसे इंसिडेंट रोकने चाहिए, उल्टा अपने स्टेट में प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं और कोलकाता की पुलिस लोगों को सुरक्षा देने की जगह लोगों को नोटिस भेज रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ। इस वीडियो में मैं उनको डॉक्टर एम करके संबोधित करूंगा। बैक टू बैक 36 आवर्स काम करने के बाद डॉक्टर एम सेमिनार रूम में आराम करने के लिए जाती है। रात को 3 बजे की इंटर्न उन्हें जगाने आता है कि एक रिपोर्ट देखना है। वो रिपोर्ट देखने के लिए जगती है, रिपोर्ट देखती है, उसके बाद वापस सो जाती है। ये लास्ट टाइम था जब उन्हें जिंदा देखा गया था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे डॉक्टर एम की बॉडी मिलती है उसी सेमिनार हॉल में विथ 10+ इंजरी मार्क्स। उनकी बॉडी सेमी नेकेड होती है, आँखों, कानों, हर जगह ब्लड लगे होते हैं, प्राइवेट पार्ट में ब्लड निकल रहा होता है। सुबह 10:53 को हॉस्पिटल से के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एम के पेरेंट्स को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको जल्दी आना चाहिए। करीब 22 मिनट बाद वापस से सेम पर्सन जो है वो वापस से कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इतना सब होने के बाद केस को पूरी तरह से मर्डर बनाने की जगह सुसाइड बनाने की कोशिश की गई। एविडेंस को टैम्पर किया गया, इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की गई। डॉक्टर एम के मेंटल स्टेट पर भी सवाल उठाया गया कि हो सकता है कि उनका मेंटल स्टेट ठीक नहीं था। जहां ये घिनौना काम हुआ उस एरिया में कोई भी सीसीटीवी था ही नहीं, लेकिन वहां पुलिस को एक ब्लूटूथ हेडसेट मिला। पुलिस ने जब वो हेडसेट कुछ सस्पेक्ट के फ़ोन के से कनेक्ट करने की कोशिश की तो कोलकाता पुलिस वॉलेंटियर संजय रॉय के फ़ोन से ही ये हेडसेट कनेक्ट हुआ। द वर्स्ट पार्ट इज सस्पेक्ट के अगेंस्ट कई एलिगेशंस हैं, जैसे कि एक्सटॉर्शन, थ्रेट अगेंस्ट वोमेन। उसने 2020 के अंदर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर असॉल्ट किया था और कुछ हफ्ते पहले एक फीमेल डॉक्टर के साथ छेड़खानी भी की थी। संजय रॉय की 2 बहन है, एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है कोलकाता पुलिस में और दूसरी बहन एक सिविक वॉलेंटियर है। उसकी बहन ने कहा कि मैं उसके बारे में बात भी बिल्कुल नहीं करना चाहती क्योंकि वो हमारे परिवार पे एक सबसे बड़ा कलंक है। अगर वो मर भी जाता है, उसको फांसी भी हो जाती है ना, तो हम उसका बॉडी तक नहीं लेंगे। अब सवाल उठता है कि जिस पर्सन के पास रिकॉर्ड ऐसा है वो पुलिस वॉलेंटियर कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल के काफ़ी करीब था। संजय के पकड़े जाने के बाद भी लोग खुश नहीं हैं क्योंकि लोगों का मानना है कि ऑटोप्सी रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये काम अकेला पर्सन नहीं कर सकता, एक बहुत बड़े साजिश को छुपाने की कोशिश की जा रही है। हॉस्पिटल के स्टाफ ने बताया कि पेरेंट्स को 3 आवर्स वेट करवाया गया उनकी बॉडी देखने से पहले। जब उनके पिताजी ने डॉक्टर एम की बॉडी देखी तो टूट गए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने सुसाइड नहीं किया है, उसका रेप और मर्डर हुआ है। वो चली गई, हम उसको वापस तो नहीं ला सकते लेकिन उसको जस्टिस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल पूछे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से, जो कि सरकार पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। मैं आपको 5 सवाल बताता हूँ। पहला सवाल है डिले इन FIR। उसमें कहा गया कि हमें समझ में नहीं आता क्यों 12 आवर्स के बाद FIR रजिस्टर किया गया। दूसरा सवाल, एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल, कैसे एक केस के ऑपरेशन के दौरान उन्हें दूसरे कॉलेज में प्रिंसिपल बना दिया गया। तीसरा सवाल, सुसाइड क्लेम, पहले कुछ घंटों में सब पता चल गया था तो इसे सुसाइड का रूप देने की क्यों कोशिश की गई। चौथा सवाल, वैंडलिज्म बाय मॉब, कैसे मॉब को, मतलब वीर को क्राइम सीन पे तोड़फोड़ करने के लिए पुलिस करने दिया गया, पुलिस क्या कर रही थी वहाँ पे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो एविडेंस थे वो डिस्ट्रॉय हुए। पांचवा सवाल, हैंडलिंग ऑफ बॉडी, कैसे पेरेंट्स को बॉडी घंटों तक के बाद जो है दिखाया गया। तो ये सारे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं, जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनके जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो उनके जो पुलिस ने काम किया उसके तरीके के ऊपर। भारत में एक अजीब चीज़ है, क्राइम को एक फिल्टर के थ्रू देखा जाता है। यूपी में जब रेप होता है तो सारे पॉलिटिशियन वहाँ चले जाते हैं और हर चीज़ को मीडिया अटेंशन मिलती है, और एक हफ्ते बाद जब लोगों को कुछ नया मिलता है तो नजरें घुमा लेते हैं। लेकिन भारत के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे आप कुछ भी कर लो आपके पाप धुल जाएंगे। इसमें से एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। यहां पे हर प्रोटेस्ट, हर एक वायलेंस को दबाने की कोशिश की जाती है। डॉक्टर एम के केस में भी यही किया जा रहा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रेजिग्नेशन के तुरंत बाद
उसी उन्हें किसी और कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। ये बताता है कि किस हिसाब से गवर्नमेंट इस सेंसिटिव जो मुद्दे को है ट्रीट कर रही है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास की महिलाओं को सेफ फील करवाएं। जब हमें रात में कोई महिला अकेले दिखे तो हमें देख के सहमे नहीं, डरे नहीं, बल्कि सेफ फील करें, प्रोटेक्टिव फील करें। हमें इसके लिए लगातार आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन ज़रूर होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को बताइए, क्योंकि जिस देश में महिला को देवी माना जाता है उस देश में ऐसा कलंक बहुत ही शर्मनाक है।